हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में। दोस्तों, क्या आप अपने स्मार्टफोन में 5G अनलिमिटेड डाटा इस्तेमाल करना चाहते हैं? दोस्तों, हो सकता है कि आपके पास 4G फ़ोन हो या 5G फ़ोन हो, लेकिन दोस्तों अगर आपके स्मार्टफोन में 5G अनलिमिटेड डाटा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो इस वीडियो का आप कंप्लीट वॉच कीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीन पे मुझे यहाँ पे मिल गया है ट्रू 5G और इसमें दोस्तों मैं अपने स्मार्टफोन में 5G अनलिमिटेड डाटा का इस्तेमाल कर पा रहा हूँ और नेट भी मेरा 5G फास्ट वर्क करता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा कंग्रेचुलेसन और हमारा जो है यहाँ पर 5G नेटवर्क वर्क करने लगा है और काफ़ी स्पीड और फास्ट काम कर रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको यही सिखाने वाला कि अगर आपके पास 4G फ़ोन हो या 5G फ़ोन हो, दोस्तों आप अपने स्मार्टफोन में 5G अनलिमिटेड और भी बिल्कुल फ्री में डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करना है, इसका क्या क्या प्रोसेस है, कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो का आप कंप्लीट वॉच कीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम आपको सिखाते हैं कि आप अपने स्मार्टफोन में 5G अनलिमिटेड डाटा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, और 5G कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास हो सकता है कि 4G फ़ोन हो या 5G फ़ोन हो, अगर आपके पास 5G फ़ोन है तो आप 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो भी मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा उसको आप यूज करके आप अपने स्मार्टफोन में 5G अनलिमिटेड डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास 4G है तब भी ये अगर सेटिंग आपके लिए एलिजिबल होगा, आप अपने फ़ोन में जाकर के चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। जो भी मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, हो सकता है कि आपके फ़ोन में भी 5G वर्क करने लगे, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे फ़ोन मैंने ऐसे किया है और वहाँ पर वर्क किया है। तो अगर आपके पास 4G फ़ोन है तब भी इस वीडियो को देखिएगा, और 5G फ़ोन है तो दोस्तों आप तो देखिएगा ही देखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है कि किसी भी मतलब 4G हो या 5G हो, दोनों में क्या करना है कि आपको सबसे पहले सेटिंग एप्लीकेशन को ओपन करना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क हर फोन में होगा तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा, इसके मैं आपको एक और आसान तरीका बता देता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है और डाटा जो आप ऑन करते हो उस पर आपको प्रेस करना है, तभी आप इसी सेटिंग में आ जाएंगे। आने के बाद देखिएगा दोस्तों, आपको यहाँ नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका जो भी सिम होगा वहाँ पे नंबर होगा उस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसा आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरीका का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, अगर आपको लिखा हुआ है 5G 4G 3G 2G ऑटो, तो सिंपली आपको इस ऑप्शन पर सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, अगर आपके पास 5G फोन होगा तो ये होगा ही होगा ऑप्शन। ठीक है, अब आपको आना है बैक। बैक आने के बाद देखिए दोस्तों, ऑपरेटर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप देखिए ऑटो सिलेक्ट होगा तो इसको आपको ऑन कर देना है। ठीक है, ऑन करने के बाद दोस्तों आपको आना है बैक। बैक आने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मोर सेटिंग का, तो सिंपली आपको मोर सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारा स्मार्ट जो 5G सेटिंग होता है ये बंद होता है, तो इसको आपको ऑन कर लेना है। अब इसको ऑन करने के बाद दोस्तों आना है आपको बैक। बैक आने के बाद दोस्तों, आप मान लीजिए कि आप जियो का इस्तेमाल करते हैं या एयरटेल का या VI का, ठीक है, तो उसके हिसाब से उसका एप्लीकेशन है, VI एप्लीकेशन है, एयरटेल एप्लीकेशन, जैसे यहाँ पे जियो एप्लीकेशन, तो माई जियो एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीका का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्लान जो है 2GB का मैंने रिचार्ज किया हुआ है। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, अनलिमिटेड ट्रू 5G, मैं अनलिमिटेड डाटा इस्तेमाल कर पा रहा हूँ, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिएगा दोस्तों, मेरा 2GB का 2GB यहाँ पे बचा हुआ है, मैंने सुबह से काफ़ी सारा इस्तेमाल किया, काफ़ी सारा मैंने वीडियो देखा है, वीडियो अपलोड भी किया है चैनल पर, फिर भी देखिए दोस्तों मेरा 2GB से कम नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अनलिमिटेड ट्रू 5G। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं। अब दोस्तों आना है आपको बैक। बैक यहाँ पर आइएगा तो देखिएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जियो ट्रू 5G, मेरा कंग्रेचुलेशन, मेरा जो है यहाँ पे मतलब मिल गया है फीचर। ठीक है, और मेरा 5G फास्ट वर्क कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास 5G फोन हो या 4G फोन होगा तो देखिए दोनों में ये फीचर आपको देखने को मिलेगा, जियो ट्रू 5G। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, कुछ चीज़ें आपको इसमें चेक करना है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर देखिए कन्वर्ट चेक है, कवरेज चेक, तो आपको यहाँ पर देखिए क्या करना है, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिएगा कि कुछ इस तरीका का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे स्टेट वगैरह डाल करके आप चेक कर सकते हैं कि आपके स्टेट में जो है वो जियो का नेटवर्क है 5G का या नहीं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर लोकेशन चेक करने का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए चेक 5G रेडनेस, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए दोस्तों, मेरा जो है यहाँ पर कंग्रेचुलेसन यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, क्या लिखा, अनलिमिटेड 5G डाटा,
नो एडिशनल कॉस्ट, मतलब किसी भी प्रकार का हमें एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा, हमें अनलिमिटेड डाटा यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, तो कुछ इस तरीका से आपको भी चेक कर लेना है। देखिए हैंडसेट 5G कंप्लीबिलिटी, ठीक है, यहाँ पे डन हुआ है, तो आपको इस तरीका से यहाँ पे आना है और ये चेक कर लेना है। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है कि अगर आपके पास 5G फ़ोन है तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पास 5G फ़ोन तो उसका रिचार्ज कुछ प्लान है। ठीक है, जैसे देखिए जियो का रिचार्ज ये है कि आपको 349 में मतलब आपको अनलिमिटेड डाटा मिलता है। देखिए अगर आप जो है 299 का मतलब 1.5 GB का रिचार्ज कराते हैं तो उसमें क्या होगा दोस्तों कि आपको जो है डाटा जो है वो तो मिलेगा 1.5 GB, लेकिन उसमें अनलिमिटेड डाटा नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है कि अगर आपके पास जियो का सिम है तो 349 का या एयरटेल का होगा या वीआई का होगा, तो आपको अपने हिसाब से वहाँ पे चेक कर लेना है जिसमें अनलिमिटेड डाटा वहाँ पे लिखा हुआ होगा। ठीक है, व्यू प्लान के ऑप्शन पे देखिए हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे अनलिमिटेड डाटा है यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, कुछ इस तरीका से, तो वहीं पे आप जाएंगे तो वहाँ पे जाकर के आपको दिखाएगा। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, 349 का है, डाटा क्या है 5G अनलिमिटेड है, 2GB डाटा डेली, क्योंकि इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है क्योंकि अनलिमिटेड डाटा है। उसके बाद देखिए SMS वगैरह यहाँ पे तो दिया हुआ है कुछ इस तरीका से। ठीक है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों क्या करना है यहाँ पे कि अगर आपके पास 5G फ़ोन है तो आपको 349 का रिचार्ज करा लेना है। इसको जैसे आप करा लेंगे अपने फ़ोन में तो दोस्तों आपको क्या हुआ कि अनलिमिटेड 5G ट्रू ओपन हो जाएगा और प्लस में आपको जो है अनलिमिटेड डाटा इस्तेमाल आप कर पाएंगे, वो भी 5G। ठीक है, तो ये आपको करना है और आपको जो है अपना 5G इस्तेमाल कर पाओगे इस तरीका से। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास 4G फ़ोन है तो हो सकता है कि आपको जो मैंने ट्रिक बताया उससे वर्क करने लगे, फास्ट नेट काम करने लगे, उसके बाद दोस्तों हो सकता है कि नहीं भी करें। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास 5G फ़ोन है तो जो भी मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताए इस वीडियो में उसको अगर आप करोगे तो 100% आप जो है 5G डाटा इस्तेमाल कर पाओगे। अगर आप जो है 2GB का रिचार्ज नहीं भी कराते हो तब अनलिमिटेड नहीं, लेकिन उसमें जो भी डाटा रहेगा वो 5G काम करेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप 349 का रिचार्ज करा लेते हो तो दोस्तों आपको अनलिमिटेड 5G डाटा मिलेगा और आप अनलिमिटेड इस्तेमाल कर पाओगे। उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि यहाँ पे ये सभी सेटिंग करने के बाद अगर आपके पास 5G फ़ोन है तो आपको आना है बैक। बैक आने के बाद दोस्तों क्या करना है कि आप नोटिफिकेशन में जाना है। यहाँ पे हो सकता है कि कई बार मैंने 4G में भी ये देखा है, नोटिस किया वहाँ पे भी 5G नेटवर्क आने लगा था। ठीक है, हो सकता है कि आपके हेडसेट में ये फीचर हो। तो दोस्तों क्या करना है कि डाटा को ऑन रहने देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एयरप्लेन मोड है, इसको एक बार क्लिक करना है, उसके बाद दोस्तों दोबारा फिर से क्लिक करके बंद कर देना है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों यहाँ पे 5G वर्क करने लगेगा। ठीक है, इसी तरीका से 2-3 बार आप करके देखिएगा, जब तक यहाँ पे 5G वर्क नहीं करेगा तब तक आप करते रहिएगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों जैसे 5G का नेटवर्क आ जाएगा तो आप उसको छोड़ दीजिएगा। मैंने काफ़ी सारे 4G फ़ोन में भी ऐसा किया है, ठीक है, वहाँ पे भी वर्क किया है। तो इस तरीका से दोस्तों मैंने जो भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताया उसको फॉलो करके आप अपने स्मार्टफोन में 5G अनलिमिटेड डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि आपका जो रिचार्ज जो है वो कम से कम 349 का होना चाहिए। ठीक है, उससे कम कीजिएगा तो आपको अनलिमिटेड नहीं मिलेगा। 5G तो आप इस्तेमाल करेंगे लेकिन आपको अनलिमिटेड नहीं मिलेगा, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो इस ट्रिक को फॉलो करके आप भी अपने स्मार्टफोन में जो भी मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताया फ़ोन में, वैसे करके आप अपने स्मार्टफोन में 5G अनलिमिटेड डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको काफ़ी पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो से लेकर के आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना था, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।